वालेकुम मेरे अजीज दलबाऊ मराठी सुगम भारतीय पांचवी पुस्तको पाठक्रमांक शोक कळली यानी हवा को अपने गलती का एहसास हुआ च्या अध्ययन करना आहोत वीडियोला लक्ष्यपूर्वक पहा ऐसा वाचा वारा सकड़ान त्रास दयाचा नको नको करूँ सोड़ाया व्याला खूब गर्व होता यानी तेज हवा सबको परेशान करती नहीं नहीं बोलकर तेज उड़ने लगती हवा को अपने आप पर खूब तकबर था एकेदिवशी वारा खूब जोरात सुटला व्या ने अनेक ना खाली पाडले झाडांच्या पानांना झाडापासून अलग के दूरवर दूर नेले मातीला उड़वले झाड़ा पक्षांची घरटी मोडली यानी एक दिन हवा जोर से चलने लगी इस तेज आंधी ने बहुत से दर जड़ से उखाड़ फेंके दरख्त के पत्तों को अलग किया उन्हें ले गई और मिट्टी को उड़ा दिया और परिंदों के घोंसलों को तोड़ दिया ते चिमी ने पहले मनाले, अरे वार तू का करतोस सगड़ना त्रास का वागतोस तू खूब हैस ना तर पर्वताला खाली पाडून दाखो यानी ये तमाम मंजर एक चिड़िया ने देख कर इस तेज़ हवा से कहा कि अय हवा तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो जिससे सबको तकलीफ़ हो तुम बहुत ताकतवर हो क्या तुम इस ऊंचे पहाड़ को नीचा गिरा सकती हो तो पर्वताचा चार ही बाजू ने जोर जोरात वाहू लागला गर्विष्ठ वार्या में पर्वताला खाली पाडण्याचा प्रयत्न केला पण पर पर्वतावरील एकही दगड तो हालू शकला नाही शेवटी वारा थकला व थांबला पर्वताला म्हणाला मित्रा तू खूप बलवान आहेस मला माझी चूक समजली आहे यापुढे मी कोणालाही असा त्रास देणार नाही यानी के वो पहाड़ के चारों अतराफ़ से ज़ोरदार उड़ने लगी मगरूर हवा पहाड़ को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो पहाड़ का एक पत्थर भी हिला ना सकी आखिरकार हवा थक हार कर रुक गई और पहाड़ से कहने लगी कि अय मेरे दोस्त तुम बहुत ताकतवर हो मुझे अपनी गलती का एहसास है अब इस तरह किसी को तंग को परेशान नहीं करूंगी।